नवीन भाई के तुर्बे का ये अद्भुत नजारा आप देख रहे हैं। वैसे तो 10 सितंबर को ऑलरेडी यहाँ पर गणेशोत्सव का समापन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद आज यहाँ पर जो गणेश प्रतिमा का जो विसर्जन होने वाला है वो बिल्कुल ही अद्भुत और अनूठा है। क्योंकि आपने अक्सर गणेश विसर्जन के दौरान देखा होगा कि लोग बैंड बाजा और बेंजो के धुन पर लोग गणपति बप्पा को विदा करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा वारकरी समुदाय के लोग हैं भजन कीर्तन करते हुए और जो महाराष्ट्र की बहुत ही पुरातन आध्यात्मिक परंपरा है उसका परिचय देते हुए यहाँ पर भजन कीर्तन किया गया है। और इस तरह से बप्पा को भजन गाते हुए विदाई देने का ये जो प्रयोजन किया गया है और ये जो परंपरा नवीन में पहली बार अगर किसी ने सार्वजनिक तौर पर शुरू करने का प्रयत्न किया है, बीजेपी के नवीन के जिलाध्यक्ष रामचंद्र घर साहब, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये परंपरा आपने क्यों शुरू की, क्या वजह रही, क्या आपको लगता है कि ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। महाराष्ट्र की परंपरा है, वारकरी संप्रदाय की ये परंपरा है, ये आगे चलनी चाहिए, इसको कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ये महाराष्ट्र का एक प्रतीक है, महाराष्ट्र की रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट आगे बढ़नी चाहिए। इसके लिए ये बाल गोपाल जो वारकरी है उनको मैंने इन्वाइट किया और बाप्पा का विसर्जन करते समय उनकी ये यात्रा जाते समय ऐसे जो महाराष्ट्र के संस्कृति के जो उपासना करने वाले बाल गोपाल हमारे भविष्य है, वो आगे जाके महाराष्ट्र की ये संस्कृति जो उपासना चाहिए, इसके लिए मैंने उनको इन्वाइट किया। और ये आज का अद्भुत ऐसा माहौल दिख रहा है जो नवंबर में पहली बार आ रहा है, हमारे बाला साहब शिंदे जी है, वारकरी साहब है, उन्होंने अथक प्रयत्न करके ये टीम को बुलाया है। मैंने 3 साल पहले भी इस टीम को बुलाया था, लेकिन कोरोना के वजह से ये हो नहीं पाया, लेकिन मेरा एक सपना है कि आगे चल के महाराष्ट्र की वारकरी संप्रदाय की परंपरा आगे भी चलनी चाहिए। बाला साहेब शिंदे जैसे लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा उस पर योगदान दें, इसके लिए मैंने आज ये प्रयोजन किया हुआ है। बहुत बड़ी बात। आपको लगता है सर कि जिस तरह से आधुनिकरण हो रहा है, नया दौर आ रहा है, लोग बैंजो और बैंड बाजे की धुन पर गणपति बप्पा को विदा करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए और उन सब चीजों से बचना चाहिए? बराबर है, इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। ये वारकरी सांप्रदायिक जो परंपरा है, ये परंपरा आहिस्ता आहिस्ता सिटी एरिया में, ग्रामीण भाग में दीवालंदी हो ऐसे ग्रामीण भाग में बहुत अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन सिटी एरिया में हमारे बच्चों को हमारे भविष्य को ये समझना चाहिए कि हमारी महाराष्ट्र की वारकरी संप्रदाय की परंपरा, सम्माननीय मोदी साहब ने भी इस परंपरा को आगे जाने के लिए एक बल दिए, ताकत दी है। तो वही एक हिसाब से मैंने इस शहर के जो बाल गोपाल है वो बाल गोपालों को ये संस्कृति मालूम पड़नी चाहिए, ये संस्कृति क्या है, वारकरी संप्रदाय क्या है, ये चीज़ मालूम पड़नी चाहिए। साथ साथ में गणपति का विसर्जन करते हुए भी ये वारकरी संप्रदाय उसका विसर्जन करे, ऐसी मेरी एक धारणा थी, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा था। बाला साहेब शिंदे ने ये प्रयास करके मेरा बहुत बड़ा मान बढ़ाया, मैं उनका भी शुक्रगुजार रहूँगा, इनके टीम का शुक्रगुजार रहूँगा कि ये ऐसे वक्त पे मेरे को साथ देके यहाँ पे ये टीम लेके एक न्यू बॉम्बे में एक अलग माहौल तैयार करने की उन्होंने कोशिश की और ये सफल कोशिश की है, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपने सुना कि खुद जिलाध्यक्ष रामचंद्र घर साहब का कहना है कि ये जो शहर है एक तरह से विकसित हो रहा है, कंक्रीट का जंगल बन रहा है, और ऐसे शहर में ये जो महाराष्ट्र की धार्मिक परंपरा है, जो वारकरी संप्रदाय की जो परंपरा है भजन कीर्तन करने की, क्योंकि ये भूमि संत महात्माओं के लिए मशहूर रही है पूरी दुनिया में, और वो परंपरा जो शहरीकरण की वजह से कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है, उस परंपरा को नए सिरे से बल देने का काम इस वक्त जिलाध्यक्ष रामचंद्र घर साहब ने किया है। भजन कीर्तन के माध्यम से जो इस परंपरा को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है, मेरे साथ बाला साहब शिंदे जी है, क्या कहना चाहेंगे सर, कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं, आप दौर देख रहे हैं, गणपति विसर्जन भी देख रहे हैं, और आप इस तरह से रामचंद्र घर जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सारी जो शहरीकरण का जो नियम कानून है या जो परंपरा है उसे त्याग कर आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। महाराष्ट्र भूमि संतों की भूमि है और महाराष्ट्र के जो राजा थे उसको मराठी में जानता राजा कहते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी जयंती और भगवान विघ्नहर्ता और सुखकर्ता ऐसा भगवान श्री गणेश की जयंती, ये स्थापना
लोकमान्य टिलक ने ये जो प्रोग्राम चालू किया है गणपति बिठाना और शिव जयंती करना, इसका कारण ये है कि सब समाज इकट्ठा होकर समाज का अधोगति नहीं होना चाहिए, ऊर्ध्वगति में जाना चाहिए। इसके लिए ये पूर्वापर संतों से भी यही, उनकी भी यही राय है कि सबका कल्याण हो, और सबका कल्याण इसी में है, जो अच्छा काम करता है उसी में कल्याण होता है। और ये जो है महाराष्ट्र के सब संतों ने घर घर में जाके उनका कल्याण करने की ये सोचा है, इसलिए अभी हर घर में गणपति आता है, उसकी पूजा मनोभाव मनोभाव से की जाती है, लेकिन उसका विसर्जन जो है उस टाइम जो अपन अलग अलग तरीके से उसका विसर्जन होता है, उससे अच्छा ये एक नया अभी वारकरी संप्रदाय की तरफ से जैसा आलंदी से पंडरपुर ये दिंडी सोला जाता है और पूरा देश ये देखता है, और वैसा ही ये विसर्जन सोले में सुधा सब वारकरी ये जगह पे आके भगवान श्री गणेश का या ये विसर्जन सोला होता है, इसमें से सभी जनों को ये मालूम होना चाहिए कि भगवान की पूजा होने के बाद उसका विसर्जन करने के टाइम अपन उसको कैसा विसर्जन करना चाहिए। ये एक आदर्श अपने नवी मुंबई के एक सर्वे सर्वा जो है सम्माननीय रामचंद्र शेठ जी घरत साहब, नवी मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने ये प्रोग्राम या करके हमारे नवी मुंबई की नहीं तो पूरे महाराष्ट्र को ये दिखाया है कि ये भगवान का विसर्जन कैसा करना चाहिए, और ये सभी जनों ने उनका अनुकरण करना चाहिए, ऐसा ये संदेश वो दे रहे हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने इनके तरीका अपने भगवान का विसर्जन करना चाहिए। धन्यवाद। इन्हीं के जैसे बाकी लोग भी इसी तरह से गणपति बप्पा का विसर्जन करना चाहिए, और ये मैसेज है ना सिर्फ नवमी के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र और देश के लिए भी विसर्जन है कि जब भी देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विसर्जन करें तो इसी तरह से जो हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा है भजन गाते हुए कीर्तन करते हुए भगवान को विदा करना चाहिए। और आज यही से ये तुरबे से नवमी से ये संदेश देने की एक पुरजोर कोशिश की गई है। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।